नाउ लेट्स स्टार्ट टू स्टडी द नी जॉइंट. ठीक है. टाइप्स, इट इज अ कॉन्डलर मॉडिफाइड हिंज जॉइंट एंड इट इज अ वराइटी ऑफ अ सिनोवियल जॉइंट. टाइप, कॉन्डाइलर मॉडिफाइड हिंज जॉइंट. टू कॉन्डाइलर जॉइंट्स बिटवीन द कॉन्डाइल ऑफ द फीमर एंड द टीबिया एंड वन सैडल जॉइंट बिटवीन फीमर एंड पटेला. नी जॉइंट में एक सैडल जॉइंट होता है बिटवीन द फीमर एंड द पटेला. ओके. और दो कॉन्डाइलर जॉइंट्स होते हैं बिटवीन कॉन्डाइल ऑफ द फीमर एंड द टीबिया. अब इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस देख लेते हैं. ठीक है. आर्टिकुलेटिंग सरफेस, एक तो ये कॉन्डाइल ऑफ द फीमर हो गया, पटेला हो गया, और ये नीचे वाला कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया. ठीक है. इसमें फीबिया पार्ट नहीं लेगा. नी जॉइंट में फीबिया पार्ट नहीं लेगा. ओके. लिगामेंट्स देखते हैं. अब इसके लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको मैं सिंपल्स करके बताती हूँ. ठीक है. अब हम देखते हैं कि एंटीरियर में कौन से है. एक तो फाइब्रस कैप्सुलर है. फाइब्रस कैप्सुलर यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कैप्सुलर यानी जो नी जॉइंट के सारे सराउंडिंग में होता है वो. लिगामेंटम पैटेली, ये एंटीरियर के हो गए फाइब्रस कैप्सुलरिस और ये लिगामेंटम पैटेली. अब ये देखते हैं साइड वाले, देखते हैं टीबिया के साइड में होगा जो टीबियल कोलैटरल लिगामेंट. और टीबिया कौन से साइड में रहती है, मीडियल साइड में, तो उसको मीडियल लिगामेंट लिखते हैं. फिब्यूलर कोलैटरल और ये लैटरल लिगामेंट. फिब्यूला लैटरल साइड में होती है तो लैटरल लिगामेंट. ठीक है. अब उसके नीचे आते हैं थोड़े से पोपलिटियल में देखते हैं. ठीक है. ऑब्लिक पोपलिटियल लिगामेंट, आर्क्यूएट पोपलिटियल लिगामेंट. एक तो ऑब्लिक पोपलिटियल और आर्क्यूएट पोपलिटियल लिगामेंट. अब उसके यानी जो क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं, एंटीरियर और प्रोशिएट क्रूशिएट लिगामेंट्स. फिर जो कॉन्डोलाइट के कॉन्डोलर्स के बीच में और जो कॉन्डोलाइट के सरफेस में होता है मिनिस्कस होते हैं. अब मिनिस्कस मैं थोड़ी देर बाद में बताती हूँ. ठीक है. मीडियल मिनिस्कस और ये लैटरल मिनिस्कस. ठीक है. ये हो गए. और ये ट्रांसवर्स लिगामेंट जो मीडियल मिनिस्कस और लैटरल मिनिस्कस को अटैच करने वाला ट्रांसवर्स लिगामेंट्स. अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं फाइब्रस लिगाम यानी फाइब्रस कैप्सूल. ये थिन होगा एंड डिफिशियंट एंटीरियर. ठीक है. थिन है और डिफिशियंट एंटीरियर होगा. रिप्लेस बाय द क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस एंड द लिगामेंट पैटेला. ये जो रिप्लेस होगा कैप्सूल, रिप्लेस बाय द क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस एंड द लिगामेंट पैटेला. अब हम देखते हैं फीमोरल अटैचमेंट यानी जो फीमर के अटैचमेंट है कहाँ से कहाँ तक ये फाइब्रस कैप्सूल होता है. एंटीरियरली तो ये डिफिशियंट है. पोस्टीरियरली होगा इंट्रा कॉन्डाइलर लाइन. और जो टीबिया के अटैचमेंट हो गए वो एंटीरियर तो होगा टीबियल ट्यूबोसिटी पे और ये पोस्टीरियरली होगा इंटर कॉन्डाइलर रिज. यहाँ याद यानी कन्फ्यूजन वाला पार्ट है. जो फीमोरल होगा उसके यानी इंटर कॉन्डाइलर लाइन होगी. जो ट्यूबियल अटैचमेंट होगी उसकी इंटर कॉन्डाइलर रिज होगा. ठीक है. इसमें एंटीरियर डिफिशियंट है फीमोरल में, पोस्टीरियर वाला इंटर कॉन्डाइलर लाइन है टीबियल के. एंटीरियरली तो होगा ये टीबियल ट्यूबोसिटी और ये पोस्टीरियरली होगा इंटर कॉन्डाइलर रिज. मेंशन माइंड इट वेल, इट इज अ रिज. ओके. अब हम लिगामेंटम पटेली देखते हैं. लिगामेंटम पटेली यानी इट इज़ रिलेटेड टू द पटेला. ठीक है. अबाव यानी अटैचमेंट बता रही हूँ. अबाव यानी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अपेक्स ऑफ द पटेला. पटेला के पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अपेक्स यानी और जो बिलो है टीबियल ट्यूबोसिटी पे. ठीक है. एंटीरियर यानी लिगामेंटम पटेली अबाव पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अपेक्स ऑफ पटेला और ये बिलो होगा टीबियल ट्यूबोसिटी. अब टीबियल कोलैटरल देखते हैं. टीबियल कोलैटरल यानी टीबियल के साइड में और टीबियल कहाँ है, मीडियली. ठीक है. तो इसको सुपीरियरली मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर होगा. इन्फीरियरली ये उसके दो पार्ट्स में होंगे यानी डिवाइड होती है वो, एंटीरियरली एंड दी पोस्टीरियरली.
एंटीरियरली तो आ जाएगी मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टीबिया, पोस्टीरियरली आ जाएगी मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फिबुलर, पोस्टीरियरली आ जाएगी मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फिबुलर। ओके, अब ये फिबुलर कोलेट्रल आ जाएंगे तो फिबुलर के पास वाली, फिबुलर कहाँ है, लैटरल साइड में है, तो सुपीरियरली अटैच यानी लैटरल एपिकोंडल ऑफ द फीमर, लैटरल एपिकोंडल ऑफ द फीमर, और ये इन्फीरियर होगा जो नीचे, इन्फीरियर यानी जो नीचे साइड, नीचे की साइड में अटैचमेंट होगा वो, यानी हेड ऑफ द फिबुला। अब हम आ जाते हैं पॉपलिटियल के रीजन में, एक तो ऑब्लिक होता है और एक आर्क्यूट होता है, ये हमें पता है। ऑब्लिक पॉपलिटियल लिगामेंट एक्सटेंशन फ्रॉम द सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन्स, यानी जो ऑब्लिक पॉपलिटियल लिगामेंट्स होता है वो एक्सटेंशन ऑफ द सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। रन्स लैटरली विथ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कैप्सूल, अटैचमेंट एक तो अटैचमेंट होगी इंटर कॉन्डाइलर लाइन एंड लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। अब हम देखते हैं आर्क्यूट पॉपलिटियल लिगामेंट एक्सटेंड बैकवर्ड फ्रॉम द हेड ऑफ द फिबुला टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ द टीबिया, एक्सटेंड बैकवर्ड फ्रॉम द हेड ऑफ फिबुला। अब हम क्रूशिएट लिगामेंट्स देखते हैं, ठीक है। क्रूशिएट लिगामेंट्स एक एंटीरियर होता है और एक ये पोस्टीरियर होता है, ठीक है। एंटीरियर का अटैचमेंट बताती हूँ, एंटीरियरली तो इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टीबिया, ऑफ द टीबिया एंड टू द लैटरल कॉन्डाइलर ऑफ द फीमर, और ये यहाँ पोस्टीरियर में अटैच होगा, एंटीरियरली कहा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टीबिया टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। तो ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर हो गया। अब ये इसके फीचर्स बता दें क्रूशिएट लिगामेंट्स के, दीज आर द वेरी थिक एंड द स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड, जो क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं वो बहुत थिक होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड होते हैं, टू मेंटेन द एंटेरो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी ऑफ अ नी जॉइंट, इसलिए वो क्रूशिएट लिगामेंट्स जो मेंटेन करते हैं एंटीरियर और द पोस्टीरियर स्टेबिलिटी ऑफ नी जॉइंट, ठीक है। बोथ क्रूशिएट लिगामेंट्स आर सप्लाइड बाय द मिडल जेनिकुलर वेसल्स एंड द नर्व्स, ये जो क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं वो बोथ सप्लाइड बाय द मिडल जेनिकुलर वेसल्स एंड द नर्व्स, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको मेनिस्कस के बारे में। मेनिस्कस हमारे दो होते हैं, एक तो लैटरली होता है और एक मीडियली प्रेजेंट होता है नी जॉइंट में, और ये दोनों को जॉइन करने वाला ये ट्रांसवर्स लिगामेंट्स होता है, कनेक्ट द एंटीरियर एंड ऑफ द लैटरल एंड द मीडियल मेनिस्कस। अब हम देखते हैं मेनिस्काई, ठीक है। मेनिस्काई यानी उसको सेमी ल्यूनर कार्टिलेज भी बोलते हैं, ये दो फाइब्रो कार्टिलेज डिस्क है, पहले ये अपर कंपार्टमेंट में यानी जो मेनिस्कस के ऊपर होगा वो फ्लेक्सर और एक्सटेंशन ऑफ नी करवा देगा, और जो लोअर कंपार्टमेंट होगा वो रोटेशन करवा देगा, यानी ये पार्शियली डिवाइड करता है कि जो अगर अपर पार्ट में होगा वो फ्लेक्सर और एक्सटेंशन करवाएगा और जो लोअर है वो रोटेशन करवाएगा। अब इसके दो एंड्स होते हैं, यानी एक मेनिस्कस की दो एंड होती है, एक तो एंटीरियर एक तो पोस्टीरियर। एंड्स आर अटैच टू द टीबिया, ये जो एंड्स है ना ये टीबिया के ऊपर सिचुएटेड होती है, एंटीरियर होती है और पोस्टीरियर उनके एंड्स होंगे, वो दोनों प्रेजेंट होंगे टीबिया के ऊपर, यानी जिन हेड है ना उसके ऊपर होगा सरफेस पे, और इसकी दो बॉर्डर्स होती है, आउटर वाली होगी वो थिक होगी और कॉन्वेक्स होगी, इनर वाली होगी जो थिन और कॉनकेव होगी, ये उसके दो बॉर्डर्स हो गए, दो सरफेस होंगे ना उसके, एक तो अपर वाला एक लोअर वाला, अपर वाले पे तो वो मूवमेंट होगी तो इसके लिए वो कॉनकेव होगा फॉर द आर्टिकुलेशन विद द फीमर, अपर वाला होगा वो कॉनकेव होगा फॉर द आर्टिकुलेशन विद द फीमर, और जो लोअर होगा वो फ्लैट होगा, रेस्ट ऑन द पेरीफेरल 2/3 ऑफ द टीबियल कॉन्डाइलर, ठीक है।
वो रेस्ट रहेगा टीबियल कॉन्डाइलर के सरफेस पे, और जो पेरीफेरी वाला है ना वो थिक पार्ट है क्योंकि वो वस्कुलर है, और जो इनर पार्ट है वो अवस्कुलर है और नरिश बाय द साइनोवियल फ्लूड। बाहर का यानी जो पेरीफेरल का साइड वाला होगा वो थिक होगा, थिक होगा तो वो उसको नर्व भी तो सप्लाई करेंगे ना, तो पेरीफेरल वाला थिक पार्ट होएगा, फिर वो वस्कुलर होगा। इनर पार्ट में होगा वो एवैस्कुलर होगा और नरिश बाय द साइनोवियल फ्लूड होएगा। अब हम बात करते हैं कि मेनिस्काई लैटरल और दी मीडियल मेनिस्काई, ठीक है। लैटरल होगा वो सर्कुलर में होगा, ठीक है, और जो मीडियल मेनिस्कस होगा वो ओवल शेप में होगा। अब मीडियल मेनिस्काई का ओवल शेप में होगा, फ्रंट साइड में तो थोड़ा सा नैरो होगा और ये बिहाइंड वाले सरफेस में वाइड होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लैटरल मेनिस्काई, इसका पोस्टीरियर एंड ऑफ द मेनिस्काई इज अटैच टू द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर थ्रू द टू सेम मेनिस्को फीमरल लिगामेंट। मोर मीडियली पार्ट ऑफ अ टेंडन ऑफ अ पॉपलिटियस इज अटैच टू द लैटरल मेनिस्कस, यानी जो इसके जो टेंडन ऑफ द पॉपलिटियस है ना उसके ज़्यादा से मीडियली पार्ट सराउंडिंग करेगा लैटरल मेनिस्काई। अब हम आ जाते हैं मीडियल मेनिस्काई पे। फंक्शन ऑफ द मेनिस्काई, इसका जो ये मीडियल मेनिस्काई है ना एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, हेल्प इन लुब्रिकेटिंग द जॉइंट कैविटी, और बिकॉज ऑफ द नर्व सप्लाई दे ऑल्सो हैव द सेंसरी फंक्शन। यानी मेनिस्काई के हम फंक्शंस देखते हैं कि जो मेनिस्काई होता है वो शॉक एब्जॉर्बर भी होता है और ये हेल्प इन द लुब्रिकेटिंग द जॉइंट कैविटी भी होती है, बिकॉज ऑफ द नर्व सप्लाई दे ऑल्सो हैव अ सेंसरी फंक्शंस, ठीक है। अब हम बर्सा में बर्सा के अंदर आते हैं। बर्सा अराउंड द नी, एक तो एंटीरियर होगा, लैटरल होगा, मीडियल होगा, ठीक है, एंटीरियर मीडियल और लैटरल। हम देखते हैं एंटीरियर में ये चार होंगे बर्सा, सबक्यूटेनियस प्रीपटेलर बर्सा, सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बर्सा, डीप इंफ्रापटेलर बर्सा, सुप्रापटेलर बर्सा। ये अपर स्पाइनल डायग्राम है जिसमें यहाँ ये तो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और ये जो है पॉपलिटियल बर्सा है, इन दोनों ये लिगामेंटम पटेली है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, यानी ये इसका यानी टीबिया के अपर सरफेस में जो ऐसे ट्रांसफर्स से ऊपर से देख रहे हैं हम टीबिया के कॉन्डाइल को तो ऐसे दिखता है, और ये इन्फ्रा पटेलर साइनोवियल फोल्ड है, ठीक है। अब हम लैटरल में आ जाते हैं। डीप टू द लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनिमस, अभी हमें पता है लैटरल और मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनिमस होता है, तो जो लैटरली वर्सा होगा कहाँ प्रेजेंट होगा, लैटरल डीप टू द लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस, ठीक है, ये एक हो गया। बाइसेप्स फीमोरिस पता है हमें, बाइसेप्स फीमोरिस एंड दी फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट, यानी जो फिब्युलर के पार्ट में और ये जो बाइसेप्स फीमोरिस के बीच में, ठीक है। टेंडन ऑफ द पॉपलेटियस और ये फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट के बीच में, टेंडन ऑफ द पॉपलेटियस के और लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया के बीच में रहता है लैटरल बर्सा। अब मीडियली आते हैं, डीप में यहाँ लैटरल है तो लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस, यहाँ मीडियल है तो डीप टू द मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस, ठीक है, और ये डीप टू द टीबियल, मीडियल है तो मीडियल में क्या आएगा, टीबिया आएगा, तो डीप टू द टीबियल कोलैटरल लिगामेंट, फिर मीडियली तो सेमी मेम्ब्रेनस भी होता है तो डीप टू द सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स, ठीक है। अब ये जो एनसीराइन बर्सा है, एनसीराइन बर्सा वो किसको को सराउंड करती है, एक तो ये गायब्स मसल्स, यानी एक तो ग्रेसिलिस सार्टोरियस
सेमी टेंडन्स इनको सेपरेट करती है। ये तीन मसल्स है ना, गायरोप्स मसल्स बोलते हैं, उसको सेपरेट करने वाली एन सिरेन बर्सा, जो मसल्स नाम क्या है उनके, टेंडन ऑफ द सार्टोरियस, ग्रेसिलिस और सेमी टेंडन्स। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। लैटरल मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस, दोनों को ज्वाइन करने वाली ट्रांसवर्स लिगामेंट, और ये पीछे पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, टीबिया के सराउंडिंग टीबियल कोलैटरल लिगामेंट, लैटरल साइड में लैट फिब्यूलर होगा, होगा क्या होता ही है, फिबुला कोलैटरल लिगामेंट, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लिगामेंटम पटेली यानी पटेला की सराउंडिंग लिगामेंटम पटेली। ठीक है, इसके रिलेशंस आते हैं। रिलेशंस में एंटीरियर होगा एंटीरियर बर्सा लिगामेंटम पटेली, पोस्टीरियर में होगा पोस्टीरियर में तो मीडियल पोपिटल वेसल्स टीबियल वेन्स, पोस्टीरियो लैटरली सारे पोस्टीरियर है, लैटरली देख पोस्टीरियर के लैटरली